नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ल्यूकोडर्मा सफेद दाग या फिर जिसे कहा जाता है विटिलिगो के बारे में एक रेमेडी शेयर करने वाली हूं, एक होम रेमेडी। जी हाँ, अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आप सफ़ेद दाग से परेशान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ ये 100% कारगर, 100% असरदार है सफ़ेद दाग को ख़त्म करने के लिए। सफ़ेद दाग की जो बीमारी एक शरीर पर शुरुआत होती है, एक बारीक सा गुलाबी निशान होता है, वो धीरे धीरे फैलता है और फैलते फैलते ये शरीर की ऑलमोस्ट सभी जगहों को कवर कर लेता है और धीरे धीरे ये सफ़ेद दाग का रूप लेता जाता है। क्यों ना इस बीमारी को हम जड़ से ही खत्म कर दें। कई सारे होम रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ में इस बीमारी की शेयर कर चुकी हूँ, जिनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लगातार आई बटन पर लिंक शो हो रहे हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। विटिलिगो से लड़ने के लिए कई सारे होम्योपैथिक एलोपैथिक रेमेडीज लोग बताते हैं, आप डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराते हैं, पर इसका रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता। पर आज के वीडियो में मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूँ, जो उपचार बता रही हूँ, अगर आप इसका सटीक इस्तेमाल करेंगे, लगातार इस्तेमाल करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो क्या है रेमेडी, चलिए आपके साथ में शेयर करती हूँ। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो बीमारी है सफ़ेद दाग विटिलिगो, सबसे पहले ज़रूरत है ये जानने की कि ये होती क्यों है। ये हमारे स्किन पर जो मेलानिन हार्मोन होता है इसके इनबैलेंस की वजह से होती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना है, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है जिसमें मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, जो इसके जो मेलानिन का जो क्रिएशन होता है उस हार्मोन को इंक्रीज़ करे, ठीक है। तो सब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता होगी। लाल मिट्टी जिसे गेरू मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। गेरू इस तरह की जो लाल मिट्टी होती है, ये जनरली कई पहाड़ियाँ स्पेशली लाल मिट्टी की पहाड़ियाँ होती है, ठीक है। लोग पहले के टाइम पे इस लाल मिट्टी से घर के आंगन में पोता करते थे, लिपाई किया करते थे। तो ये लाल मिट्टी आपको ले लेना है। लाल मिट्टी ये कहाँ पर मिलेगी इसका अगर मैं आपको बताऊं, आपको ऑनलाइन भी गेरू मिट्टी लाल मिट्टी के नाम से मिट्टी मिल जाएगी, या फिर जो रंगाई पुताई की दुकान होती है जहां पर रंग मिलते हैं वहां पर भी आप तलाश कर लें, वहां पर मिल जाएगी। अब कहां पर और मिलेगी ये आप अपने बेस पर तलाश कर लें, पर अब इस लाल मिट्टी की किस तरह से यूज़ करना है इस सफ़ेद दाग को ख़त्म करने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, रात में सोते समय, ठीक है, जब आप रात में सोएंगे उससे पहले आपको एक लोटा लेना है तांबे का। लोटा ले लें या फिर तांबे का कोई भी बर्तन ले लें, ध्यान रखें तांबे का लेना है, क्योंकि तांबा भी ये जो बीमारी है सफ़ेद दाग की बीमारी, इसे ख़त्म करने में बहुत असरदार होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में ये लाल मिट्टी आपको डाल लेना है, ठीक है। जितनी आप चाहें उतनी इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अब इस लाल मिट्टी को आपको पूरा भर देना है, ठीक है, मतलब इसको पानी से डुबा देना है। लोटे में आपको लाल मिट्टी लेना है और उसे पूरी तरह से पानी में गला देना है। पानी अच्छा ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए, लगभग मिट्टी से 1 इंच के लगभग ऊपर होना चाहिए पानी, ठीक है, क्योंकि ये जब मिट्टी गलेगी तो ये उसमें फूलती है, ठीक है, ताकि ये पानी के नीचे ही दबी रहे, ठीक है, पानी के नीचे नीचे ही रहे मिट्टी का लेवल, पानी ऊपर रहे। आपको इसको लोटे में, तांबे के लोटे में लाल मिट्टी को पानी से गला देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरी रात इसे गलने देना है। पूरी रात गलने के बाद में जब सवेरे आप उठेंगे तो ये जो लाल मिट्टी वाला जो ऊपर ऊपर का पतला पतला पानी रहेगा आप उसे हटा दें, और जो गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रहेगा ये लाल मिट्टी का, उसको आपको आपका जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर सफ़ेद दाग है वहाँ पर लगाना है, ठीक है। जिस जगह पर आपको सफ़ेद दाग है उस जगह पर आपको तांबे के बर्तन में गलाई हुई लाल मिट्टी अच्छे से लेप लगा लेना है, अच्छी मोटी सी परत लगा लेनी है। फिर आपको इसे सूखने देना है, लगभग आप इसे 20 से 25 मिनट लगे रहने दें उस जगह पर, अच्छा सा लेप इसका लगा रहने दें। फिर आप 20 मिनट बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें,
ठीक है। और धोने के बाद में उस जगह पर आप कोकोनट ऑयल लगा लें, ठीक है, जो नारियल का तेल होता है उस जगह पर आपको लगा लेना है। ये जो लाल मिट्टी हमने उस जगह पर लगाई, रात भर तांबे के बर्तन में भिगोई हुई लाल मिट्टी को आपको अपने सफेद दाग, अपने ल्यूकोडर्मा पे आपको लगानी है। लगाने के बाद में 20 से 25 मिनट इसे सूखने देना है। सूखने के बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से धो ले। धोने के बाद में आप इस पर कोकोनट ऑयल लगा ले, खोपरे का जो तेल होता है उसे अच्छे से वहां पर मालिश कर ले ताकि वो स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। बस इतना आपको करना है। इसका लगातार इस्तेमाल से आप खुद देखेंगे आपको सफेद दाग बीमारी से बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे ये इसके जो सफेद दाग हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगे और कम होते होते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करें। और साथ ही में आपको कुछ परहेज रखने की जरूरत होती है खाने पीने में, जैसे दूध घी से बने पदार्थ आपको नहीं लेना है, आपको मलाई नहीं लेना है, ज्यादा तेल और चिकनाई की चीजें नहीं खाना है, सफेद चीजें जैसे चावल हुआ, आलू हुई, इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। इन परहेजों को रखते हुए इस रेमेडी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, ये बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल करें और फिर जो रिजल्ट मिलता है मेरे साथ में शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और इस बीमारी से लड़ने के और भी कई दवाएं, देसी उपचार, विदेशी उपचार मैंने अपने चैनल पर आपके साथ में शेयर किए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर मेरे चैनल की हेल्थ केयर टिप जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।